माथेरान हिल स्टेशन एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है घूमने के लिए, फैमिली के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। माथेरान हिल स्टेशन बॉम्बे से लगभग 90 किलोमीटर जितना दूर है और पुणे से वो 120 किलोमीटर जितना दूर है। माथेरान जाने के लिए हम लोगों को बॉम्बे से सबसे पहले तो नेरल आना पड़ेगा। नेरल से स्टेशन के बाजू में ही हम लोगों को प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी वगैरह मिल सकती है और हम लोगों को अदरवाइज दूसरे वहाँ से ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। और दूसरा हम लोग बाय टॉय ट्रेन भी जा सकते हैं। हम लोगों को टॉय ट्रेन में जाने के लिए लगभग सेकंड क्लास में एडल्ट के लिए 45 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए 35 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और फर्स्ट क्लास की हम टिकट बाय करेंगे तो उसके लिए 305 रुपये पे करने पड़ेंगे और चाइल्ड के लिए 180 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अदरवाइज ट्रैकिंग करके भी आप जा सकते हो। हम लोग बाय टॉय ट्रेन जाने वाले हैं और टॉय ट्रेन से पूरा नज़ारा एंजॉय करेंगे। और आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह लेकर जाते हो तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा पार्किंग एरिया भी है और वो पार्किंग का लगभग आपको फोर व्हीलर लेकर जाते हैं तो आप कार का आपको लगेगा 80 रुपीज़ और बाय बाइक जाते हो तो आपको उसमें लगेगा 35 रुपीज़ और हेलमेट का अलग से आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छा लोकल फैसिलिटीज़ वगैरह हैं। माथेरान की खास बात करें तो वहाँ पे बहुत ही अलग अलग घूमने लायक पॉइंट्स है और बहुत सारी होटल्स वगैरह है और कुछ कुछ पारसी बंगलो भी है और देखने के लिए बहुत ही अच्छा है। एक बहुत ही अच्छी विशेषता है कि आप बाय कार पूरा हिल स्टेशन घूम नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कार सब जगह पे ले जाना अलाउड नहीं है, वो पार्किंग एरिया में ही रखना पड़ेगा। और बाय ट्रैकिंग अदरवाइज आप हॉर्स राइडिंग करके पूरा माथेरान घूम सकते हो और यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड वगैरह भी मिलता है, वो एक अच्छा स्पेशलिटीज़ है। माथेरान में अलग अलग लोकेशन घूमने लायक है और उसमें सब जगह वो अलग अलग पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं और उसमें अलग अलग पॉइंट्स है जो लुइसा पॉइंट है, मंकी पॉइंट है, पानोरामा पॉइंट है, वन ट्री हिल पॉइंट है, इको पॉइंट है, कोर्क्यूपिन पॉइंट है, एलेक्जेंडर पॉइंट है, हार्ट पॉइंट है, लिटल चौक पॉइंट है, हनीमून पॉइंट है, रामबाग पॉइंट है, बेलवेंडर पॉइंट है, किंग जॉर्ज पॉइंट है, लॉर्ड पॉइंट है, खंडाला पॉइंट है, माउंट पॉइंट है, ऐसे अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स है और सही में फैमिली के साथ घूमने आना चाहिए। नेचर लवर के लिए तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है
और बाय ट्रैकिंग ये सब घूम सकते हो, और अदरवाइज आप हॉर्स राइड करके भी सब जगह पे आप घूम सकते हो। माथेरान बहुत ही अच्छा प्लेस है, और हम लोग माथेरान में गुजरात भवन होटल में रुके थे। गुजरात भवन होटल एक बहुत ही अच्छा होटल है, खास करके वहाँ का फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह बहुत अच्छा है। सही में आप घूमने के लिए आओ और गुजराती भी हो तो सही में ये रहने लायक लोकेशन है। और माथेरान में अलग अलग वहाँ पे मार्केट भी है, छोटी बड़ी, वो भी आप घूम सकते हो। और माथेरान में घूमने के लिए आपको थोड़ा बहुत टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जो म्यूनिसिपल का टैक्स है, इसमें आप एडल्ट का आपको 50 रुपीस और चाइल्ड का आपको 25 रुपीस पे करना पड़ेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप मॉनसून में आते हो तो वहाँ यहाँ पे लाइव वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे, वो भी एक नज़ारा बहुत ही एंजॉयबल रहेगा। और माथेरान में लेक भी है, चार्लोट लेक, वहाँ पे भी आप घूमने जा सकते हो और अलग अलग पॉइंट वगैरह का उनका नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। माथेरान का ये मेरा थोड़ा पुराना वीडियो है, सिर्फ मैं टॉय ट्रेन का ही वीडियो शूट कर पाया हूँ, बाकी के सब पिक्स लिया है तो उसका थोड़ा बहुत स्लाइड शो इसमें रखा हुआ है।
बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।